नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लेके ऑनलाइन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस। जैसे कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि यूपी पुलिस में जो जेल वार्डर एवं घुड़सवार के पदों पर बहाली की गई थी उसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, फुल प्रोसेस आपको बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस आपको जानकारी देंगे, भर्ती प्रक्रिया की कि भर्ती प्रक्रिया क्या है, शुरू से अंतिम तक सारी जानकारी देंगे। कितने अंकों का एग्जाम होने वाला है, कब कैसा कौन सा एग्जाम होगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, जैसे कि आप लोग पता होगा जब ये भर्ती आई थी, इसका जब नोटिफिकेशन आया था तो हमने आपको वीडियो बनाकर सूचित कर वीडियो के माध्यम से अलर्ट भी किया था। जब ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुआ तो उसके बारे में भी आपको बताया कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहाँ पर कुछ कमेंट आए थे भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताने के लिए, तो आज हम इस वीडियो में भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे और ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम जो भी वीडियो बनाते हैं ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, पुख्ता सबूत के साथ बनाते हैं, इसलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों लोग आवेदन कर सकते थे। तो चलिए हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी यहाँ पर देख पा रहे हैं जो वैकेंसी किसके अकॉर्डिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसी निकाली गई थी यहाँ पर बताया गया। तो इस नोटिस की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और सारी जानकारी ले लीजिएगा। चलिए हम आपको सीधा ले चलते हैं और भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। तो आप इसी तरह से नीचे आ जाएंगे, और तो नीचे आते जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर नोटिस में आपके बताया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये भर्ती प्रक्रिया देख पा रहे हैं। अब भर्ती प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर दिया गया है कि यह चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर सेवक नियमावली 2016 एवं तथा संशोधित उत्तर प्रदेश कारागार जिसके अनुसार ये वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में बताया गया। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी, ठीक। और लिखित परीक्षा ली जाएगी, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। जैसे कि अभी हाल ही में 27 और 28 जनवरी को यूपी पुलिस का एग्जाम लिया गया था कांस्टेबल का, उसी प्रकार से आपका ये भी एग्जाम होगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं दिया गया है ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र पूर्ण एवं सही पाए जाएंगे उनसे लिखित परीक्षा, जो कि आप आवेदन करेंगे और आपका आवेदन दुरुस्त रहेगा, सब कुछ वहाँ पर ठीक ठाक रहेगा, तो आपका एडमिट कार्ड आएगा लिखित परीक्षा के लिए। और लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ यानी ऑप्शन वाले आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और लिखित परीक्षा में 300 अंकों की होगी आपकी जो लिखित परीक्षा होगी। और कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, समान ज्ञान, समान हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध एवं तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक यानी कि आपका निगेटिव मार्क भी यहाँ पर बता दिया गया है कि निगेटिव मार्क भी होगा। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं आवेदन अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को, ये आपकी लिखित परीक्षा एक दिनांक को हो सकती है, संख्या के अनुसार है, या फिर 2-3 दिनों में चल सकती है ऐसा यहाँ पर बताया गया है, या 2-3 पालियों में जो भी होगा वो बाद में डिसाइड हो जाएगा जब ये अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से होता है। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो भी लिखित परीक्षा में पास होंगे उनका यहाँ पर फिर जो कैंडिडेट सफल हो जाएंगे लिखित परीक्षा में उनका भी रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर फिर दिया गया कि दस्तावेजों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण होगा। फिर आपका जो कागज़ होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आपके सही डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो आप ही के हैं। तो यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट का चेकिंग होगा उसके बाद साथ में आपका शारीरिक मानक परीक्षण भी होगा। तो चलिए जान लेते हैं शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में। जैसे आप देख पा रहे हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है, ऊंचाई आप लोग देख पा रहे हैं तो समान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना दोस्तों आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उनका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना को फुलाना अनिवार्य है। उसके बाद महिलाओं के लिए आप लोग देख पा रहे हैं उनका जो चेस्ट होगा दोस्तों 152 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये न्यूनतम ऊंचाई दी गई है। और अब जो आपका महिलाओं की जो न्यूनतम ऊंचाई यहाँ पर जो अनुसूचित जनजातियों की होगी उनका 147 होगा, और वजन 40 किलोग्राम होगा, आप लोग देख पा रहे हैं इस तरह से। उसके बाद आप लोग इस तरह से चेक कर लीजिएगा। और दस्तावेज का यहाँ पर दिया गया है कि दस्तावेजों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया के असाधारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा, और इसके यथासमय पर आपके वेबसाइट पर जानकारी मिलती रहेगी। फिर लास्ट में जब आपका यहाँ पर मानक परीक्षण हो जाएगा और साथ में आपका वो शारीरिक मानक परीक्षण और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन हो जाएंगे, फिर आपका शारीरिक दक्षता होगी यानी आपकी रनिंग कराई जाएगी। और रनिंग किस तरह से होगी आप लोग देख पा रहे हैं,
जो पुरुष होंगे उनको यहाँ पर 4 किलोमीटर प्लस 800 मीटर यानी कि 4800 मीटर की उनकी दौड़ होगी, और जो कि 25 मिनट में उनका पूरा करना होगा, और महिलाओं को 24 यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2400 मीटर की दौड़ होगी जो कि उनको 14 मिनट में पूरा करना होगा। इसके भीतर अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। फिर लास्ट में आपका जो लास्ट में क्या होगा, तो फिर चयन एवं अंतिम योग्यता सूची, आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसे पब्लिश किया जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिया गया है कि चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन यानी कि आपका मेडिकल जाँच होगा, मेडिकल जो भी आपका मेडिकल जांच होता है लास्ट में आपका मेडिकल जांच होगा। उसके बाद चरित्र सत्यापन यानी कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जो कि आपको पता होगा जो लास्ट में वेरिफिकेशन होता है वो कराया जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको सारी जानकारी दे दी है दोस्तों, तो यदि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरी जानकारी आपको मिल गई है, और फिर लास्ट में जो भी आरक्षण के हिसाब से आपको लिस्ट तैयार की जाएगी, जो भी आरक्षण के कैंडिडेट, जो भी आरक्षण उत्तर प्रदेश में मिलता है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। साथ में आरक्षण के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। तो यहाँ पर इस नोटिस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इस नोटिस को। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस भर्ती प्रक्रिया से अगर हमें कोई भी जानकारी आगे मिलती है तो हम आपको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।